तो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो मैं राहुल बजनिया, आपका अपना दोस्त, अपने RLT UP चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो मेरे पास है ये छोटा हाथी लोडिंग वाली गाड़ी, और इसमें बताऊंगा अंकल डिलीवरी और पोर्टर में ऑनलाइन में कितने का काम होता है। तो मैं घर पे था सरायकाले खा में, तो मैंने बुकिंग कर ली थी घर से चालू। तो मेरे पास बुकिंग आई है जाकिर नगर की, और जाकिर नगर से माल लेके जाना है तुगलकाबाद। बताता हूँ उसका कितना किराया है, और जा रहा है यहाँ से घर सामान, दिखाता हूँ आपको घर सामान जा रहा है यहाँ से तुगलकाबाद। तो ये लोड हो रहा है सामान इसमें गाड़ी में। तो गाड़ी लोड हो चुकी है, अब यहाँ से निकल पड़े जाकिर नगर से, और तुगलकाबाद दिखा रहा है यहाँ से 9 किलोमीटर। तो वहीं जाके बताऊँगा इसका कितना किराया है और कितनी कमीशन रहेगी पोर्टर की, ये बताता हूँ आपको। तो आ चुका हूँ तुगलकाबाद, और ये सामने गली दिख रही है, वो आगे रोड से बैक लाया हूँ गाड़ी, बिल्कुल पतली गली में। और गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा गाइस, इसलिए लिए 10 रुपये की लस्सी पी रहा हूँ। तो गाइस गाड़ी खाली हो गई है तुगलकाबाद में, और किराया आया था मुझे इस ट्रिप का, वो आया था 580, जिसमें से पोर्टर ने अपनी कमीशन काटी है 15% के हिसाब से 80 रुपये, और मुझे दिया है 490 रुपये। अब चालू करता हूँ पोर्टर और अंकल डिलीवरी, और बताता हूँ किसमें बुकिंग आती है, कहाँ की आती है, कितने की आती है, बताता हूँ गाइस आपको। तो गाइस अंकल डिलीवरी में ड्यूटी आई है अभी, और वो ड्यूटी आई है अपना ओखला फेज 1 से, और जाएगा खानपुर माल। अब देखते हैं क्या माल है क्या माल नहीं है। तो अभी जा रहा हूँ मैं ओखला फेज 2, और बताऊँगा उसका कितना किराया है कितना नहीं, और अंकल डिलीवरी अपना कितना कमीशन काटेगा कितना नहीं, ये बताता हूँ आपको। तो आ चुका हूँ ओखला, और ये गाड़ी लोड हो गई है और पेपर मिल गए, और निकलता हूँ यहाँ से और बताऊँगा वहाँ जाके कितना किराया है इसका अंकल डिलीवरी में। थोड़ा तो माल उतार दिया मैंने विशाल मेगा मार्ट में, ये सामने विशाल मेगा मार्ट, तो वो सामने माल है। तो मैंने जल्दबाजी में माल उतरवा दिया कि पैसे मिल जाएंगे जल्दी, ट्रिप भी एंड कर दी थी पहले क्योंकि मुझे जाना था निजामुद्दीन, पर कस्टमर ने अपने भी पैसे नहीं डाले, पता नहीं क्यों, कि आप चले जाओ मैं पैसे डाल दूँगा। वो तो ट्रिप जल्दी एंड कर दी और माल भी उतरवा दिया, फिर भी कह रहे हैं कि मैं खुद ही करता हूँ, बताऊँता हूँ कब तक करेंगे। और इसका भाड़ा था अपना 609 रुपये, देखते इसकी कितनी कमीशन कटेगी ये बताऊँगा। तो अब मैं जा रहा हूँ खानपुर से निजामुद्दीन वॉशिंग लाइन, वहाँ से माल लेके जाना है रोहिणी। तो अभी ये बुकिंग आई है पर्सनल, जो मेरे जानने वाला बंदा है उसने बुकिंग दी है, तो देखेंगे बताएंगे आपको भाड़ा कितना है उसका रोहिणी का, और क्या माल है, तो वॉशिंग लाइन जाके ही आपको बताएंगे। तो आ चुका हूँ वॉशिंग लाइन, तो ये है निजामुद्दीन का वॉशिंग लाइन, यहाँ पर ट्रेनें खाली होती है जो माल आता है बम्बई चेन्नई से। तो मैं ये माल लेके जाऊँगा, ये कार्टून, और ये कार्टून है अपना 15 होंगे, और इसका किराया बताऊंगा मैं आपको वहाँ पहुँच के रोहिणी में। अब देखता हूँ यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ेगा। तो गाड़ी लोड कर ली है, और यहाँ से रोहिणी सेक्टर 3 में जाना मुझे, जो कि वॉशिंग लाइन निज़ामुद्दीन से दिखा रहा है 29 किलोमीटर। और ये सामने वॉशिंग लाइन पर RPF का मतलब स्टेशन है, पोस्ट है, तो ये बैरिगेट है, यहाँ से मैंने पानी भरा, यहाँ पर ठंडा पानी आता है, तो मैंने ये पानी भरा और पानी पीता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से, और टाइम हो गया है 5:20। तो ये जाम लग रहा है, ये है मजनू का टीला जो कश्मीरी गेट से आगे पड़ता है, और गाड़ी में बत्ती आ गई CNG की, तो CNG तो मैं रोहिणी में डलवाऊँगा, क्योंकि रोहिणी में CNG पंप पे मतलब खाली रहता है, वहाँ पर बहुत सारे CNG पंप है, तो वहीं डलवाऊँगा। तो जाम लग रहा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर, और उसके बाद जाम नहीं मिलेगा ये मजलू का टीला क्लोज करने के बाद। तो गाइस आ चुका हूँ मैं रोहिणी केंद्रीय स्कूल, तो यहाँ पे तो गार्ड है नहीं, टाइम हो गया 4-5 मिनट, अभी तक कोई नहीं आया, और ये सामने गाड़ी खड़ी कर रखी है मैंने छोटा हाथी। तो अब लेके जा रहा हूँ दूसरे गेट पे, तो मैं गाड़ी में जो लाया हूँ वो माल है पंखे स्कूल में लगेंगे, तो अब जाता हूँ दूसरे गेट पर। तो गाइस स्कूल के अंदर उतार दिए मैंने ये 25 पंखे, क्योंकि स्कूल में कोई नहीं था, तो मैंने अकेले ने उतारे ये सारे कार्टून, और वो सामने खड़ी है गाड़ी, वहाँ गाड़ी खड़ी करी थी, और यहाँ पे उतार दिए पंखे। और क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी गाइस, इसलिए मैंने जूते उतार दिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैर में गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने जूते उतार के
मतलब कि पंखे रख के, सामने जूते रखे हुए, और अब साइन वैन कराता हूँ यहाँ से और पैसा लेता हूँ पार्टी से, और बताऊँगा इसका कितना किराया था और लेबर का कितना था ये भी बताऊँगा आपको। तो माल उतार दिया मैंने और रिसिविंग विसिंग ले ली गार्ड से, और अब निकलता हूँ हल्के हल्के घर और बताऊँगा घर जाके कितना किराया था कितना नहीं, और देखूँगा कोई बुकिंग आती है पोर्टर में या अंकल डिलीवरी में बताऊँगा, वरना तो हल्के हल्के जा रहा हूँ घर और टाइम हो चुका है अभी 7। तो माल मैंने उतार दिया है, 100 पंखे और रिसिविंग ले ली और क्या कहते हैं अपना, अब निकलता हूँ यहाँ से हल्के हल्के घर, और पोर्टर और अंकल डिलीवरी चालू कर रखी है, अब देखता हूँ कोई बुकिंग आती है तो बताऊँगा मैं आपको, और टाइम हो गया अभी 7:40। तो आ चुकी है मेरे पास अंकल डिलीवरी में ड्यूटी, वो ड्यूटी आई है रोहिणी से गुड़गांव की, अब देखता हूँ क्या सामान है क्या नहीं, बताता हूँ कितना किराया है उसका। तो जा रहा हूँ पिकअप पॉइंट पे, तो आ चुका हूँ जहाँ से माल लोड होना है, तो ये गाड़ी हो गई है, बस थोड़ी रह गई है, और ये ऊपर से आ रहा है मशीन से माल, ये सेकंड फ्लोर से, और जहाँ मैं लेके जा रहा हूँ एकदम जंगल है, तो बस 10-15 मिनट और है फिर यहाँ से निकलता हूँ, और टाइम हो चुका अभी 8:35। तो आ चुका हूँ सीएनजी पंप में, तो गाड़ी में गैस चलवा रहा हूँ क्योंकि गाड़ी में एक ही पॉइंट था, और मैंने गैस डलवाई थी परसों डलवाई थी 600 रुपये की, तो वो आज ख़त्म हो गई है, तो देखते कब तक पहुँचते हैं वहाँ पर गुड़गांव, और टाइम हो रहा अभी 9:52। तो निकल चुका हूँ मैं गैस डलवा के गाड़ी में, तो गाड़ी में गैस आई है 800 रुपये की, और गैस आई है 10.5 किलो, और यहाँ पे थी 75 रुपये के हिसाब से, और लेट में इसलिए हो गया हूँ क्योंकि पार्टी ने टाइम लगा दिया ये बिल बनाने में, तो टाइम हो रहा है अब 10, अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं, और यहाँ से दिखा रहा है गुड़गांव की लोकेशन वो है 37 किलोमीटर, अब देखते कब तक पहुँचते हैं और गाड़ी कब तक खाली होती है बताते हैं आपको। तो ये है द्वारका एक्सप्रेस वे, तो इससे जा रहा हूँ मैं, और ये द्वारका एक्सप्रेस वे हेपालपुर से शुरू होता है और मानेसर के टोल तक जाता है, मतलब वहाँ तक, और मैं पहुँचने वाला हूँ बस, अब रह गया यहाँ से आधा, मैंने रोड कवर कर लिया और आधे से कम रह गया है, तो पहुँच जाऊँगा मैं 11 बजे तक वहाँ पे लोकेशन पे। तो गाड़ी खाली हो गई है यहाँ पे गुड़गांव में, अब जा रहा हूँ घर, और यहाँ पे गाड़ी खाली होने में टाइम नहीं लगा, 10 मिनट में गाड़ी खाली हो गई है, टाइम हो रहा 11:30, और देखते कब तक पहुँचता हूँ घर बताता हूँ आपको, और घर जाके बताऊँगा कि आज का मेरा कितने का काम हुआ है और कितने की गैस लगी है, सब कुछ घर जाके बताऊँगा। तो बस गाइस निकल रहा हूँ यहाँ से, तो आ गया हूँ मैं घर, और टाइम हो रहा अभी 1, और मैं बता देता हूँ आज मैंने कितने का काम करा है। तो मैंने अंकल डिलीवरी में करा है 1900 रुपये का, पोर्टर में करा है 490 का, और जो मैं निज़ामुद्दीन वॉशिंग लाइन से लेके गया था अपना रोली उसका किराया था 1400 रुपये, और जो मैंने माल उतारा था उसके मिले थे मुझे 200 रुपये, तो टोटल मैंने कमाए 4200, जिसमें से गैस लगी मेरी 700 रुपये की, और 100 रुपये MCD लगी, और 100 रुपये हरियाणा का टैक्स, और बस मुझे बचे 3300 रुपये। तो गाइस अब आप सोचोगे कि मैंने तो आज बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं, तो अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो तो गाड़ी लेने से पहले आप एक महीने किसी की गाड़ी चला के देख लेना, वो भी ठेके पे, तो आपको पता चल जाएगा कितना काम है कितना नहीं है, क्योंकि तो मैंने परसों को संडे को भी काम नहीं करा था, कल करा था वो भी 1000 रुपये का। तो अभी मैं खाना खा रहा हूँ, टाइम हो रहा है 1, अब खाना खा रहा हूँ 1 बजे गाइस। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वॉच द यूट्यूब चैनल माय वीडियो। तो गाइस दिन तारीख तो बताना भूल गया मैं आपको, तो आज दिन था मंगल और था 2 तारीख 6 महीना 2024।